नमस्ते सीतामढ़ी, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ आज माँ सीता के धरती, जो हम सबकी माता हैं, जगत जननी माँ सीता की धरती है सीतामढ़ी, और मैं वहाँ के लोगों से संपर्क कर इंगेज कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो एक मेरे ये तो काफ़ी खुशी की बात है सीतामढ़ी के लोगों से बात करना, और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है सीतामढ़ी। मतलब हमेशा मेरा पुनौरा धाम जाना एक ये रहा है कि जाऊंगा जीतूं, और मतलब तो माँ सीता के धरती को मैं प्रणाम करता हूं सबसे पहले। और जैसा कि आप सब तो जानते होंगे, मेरा नाम सनोज कुमार है, न्यूज़ पेपर में भी आया होगा, आपने भी देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति सीजन 11 में सबसे पहला करोड़पति जीता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी लोग सीतामढ़ी के जिन्होंने मुझे बधाई भेजी, अभी भी काफ़ी लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जहानाबाद से हूँ, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से, और सीतामढ़ी नॉर्थ बिहार में पड़ती है, जहानाबाद साउथ बिहार में। तो हम दोनों के बीच गंगा माँ का फ़र्क है, बाकी भूमि कनेक्टेड है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी अच्छा आज लग रहा है आप सब लोगों से बात करके। और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं सबसे पहले इस चीज़ के, ये सीतामढ़ी पेज को, जो योग जो सीतामढ़ी पेज से जुड़े उन सबको धन्यवाद, मतलब सब वो सब सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। जैसे पूर्वे सर हुए, रंजीत पूर्वे सर हुए, वो योग बधाई के पात्र हैं। और थैंक यू फॉर कॉन्ग्रेचुएशन। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि मैं कैसे KBC में पहुँचा। तो KBC का आप लोग भी काफ़ी लोग जानना चाहेंगे कि KBC में पहुंचने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि KBC जो कौन बनेगा करोड़पति जब सीजन आता है, तो उसके 2 मंथ पहले से न्यूज़पेपर में स्टार्ट होने लगते हैं कि अब क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो क्वेश्चन आएंगे ताकि आप उनको क्वेश्चंस प्ले करें और आपको वहाँ बैठने का चांस मिलेगा शो में। तो होता है कि क्वेश्चंस, जैसे इस बार 1 मई से 15 मई तक के क्वेश्चंस आए थे, हर रात में 9 बजे क्वेश्चंस अमिताभ बच्चन सर वो कर बताते हैं, और क्वेश्चन का जवाब 24 घंटे में SMS करके सोने ये ऐप और अथवा SMS से आप भेज सकते हैं। तो आप अगर भेजेंगे तो रैंडमली उसे सेलेक्ट किया जाता है और उनका नाम आता है। तो सबसे पहले एक टेलीफोनिक राउंड ऑफ ऑडिशन होता है, उसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगर आप टेलीफोनिक राउंड में सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपसे फेस टू फेस ऑडिशन होता है, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं। फिर आपके पास बताया जाता है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं और आप मुंबई आ रहे हैं। फिर मुंबई में भी हॉट सीट पे आने के लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है हमें, उसके बाद हम हॉट सीट पे जाते हैं। उसके बाद जब हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से हॉट सीट पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि मैं हॉट सीट पे जाके 1 करोड़ रुपये जीत चुका हूँ। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी मैं जहानाबाद से ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई किया, फिर ग्रेजुएशन करने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की बर्दवान यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ भी मेरे काफ़ी दोस्त सीतामढ़ी और मधुबनी दरभंगा के थे। तो वहाँ से करके मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब कर रहा था। फिर मुझे याद आया कि नहीं, जॉब के साथ मैं प्रिपरेशन UPSC की सिविल सर्विसेज IAS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो जॉब में मेरा दो प्री जॉब के साथ ही मैं एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा दोनों में हो गया, बट मेंस नहीं हो रहा था। तो मैं लास्ट ईयर जॉब छोड़कर फिर से तैयारी करने लगा, और असिस्टेंट कमांडेंट का एक एग्ज़ाम देता था और एक सिविल सर्विसेज का। तो अभी असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, असिस्टेंट कमांडेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही होता है, और पैरामिलिट्री फोर्सेज। अभी मुझे सर्विस अलोकेट नहीं किया गया कि कौन से सर्विस में जाएंगे, जैसे उसमें SSB होता है, BSF होता है, CRPF, ITBP, तो सर्विस अलोकेट नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मैं UPSC का ये कर रहा हूँ, मैंने प्री दे दिया है, मेरा कई से इंटरव्यू एग्ज़ाम है मेंस का। उसके बाद मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। KBC की काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रहती है, और मेरा तो मतलब इस बार और ज़्यादा एक्साइटमेंट था, क्योंकि जो फेस टू फेस ऑडिशन पटना में हुआ था 9 जून को, और मेरा 2 जून को मेरा एग्ज़ाम हुआ था प्री का। तो मैं एग्ज़ाम के बाद घर जाना था, तो मैं घर जाने के क्रम में ही घर गया, गाँव गया, तो काफ़ी कम लोगों को मैं बताया था, तो वहाँ से सिलेक्ट हुआ, फिर काफ़ी बताया। वैसे एक चीज़ मैं एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूं कि मधुबाया जी एक थी,
सीतामढ़ी की ही, जो 2014-15 में 3,20,000 रुपये जीती थी। और मतलब ये वीमेन एम्पावरमेंट का, खास करके बिहार में थोड़ा अभी हम पिछड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिहार पिछड़ा है, हम काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, लेकिन इस हमें और आगे बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो मधुबाया जी जीती थी, और महिला सशक्तिकरण का एक काफ़ी बड़ी एग्जाम्पल है। और इस बार भी छपरा के ही एक 25,00,000 रुपये जीते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। तो इसका ये भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, ज्ञान सिर्फ उसी को है, हर किसी के पास ज्ञान है, पढ़ते रहना है बस और आगे बढ़ते रहना। तो और सबसे दो चार चीज़ें जो मेरे साथ KBC के एपिसोड में हुई वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जिस दिन हम गए तो अमिताभ बच्चन सर को देखना सपना होता है, तो मेरा सबसे पहला सपना पूरा हुआ। फिर हॉट सीट पे जाना, थोड़ा सा नर्वसनेस भी होती है कि अमिताभ बच्चन सर के सामने बैठना अपने आप में थोड़ा नर्वसनेस फील होता है, बट धीरे धीरे वो जिस ढंग से सहज करते हैं और जैसे जैसे आप आंसर्स बताते हैं वैसे वैसे आपका भी कॉन्फिडेंस आगे बढ़ने लगता है। और मैं शेयर करना चाहता हूँ, वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक था, काफ़ी लोग सपोर्टिव थे वहाँ के, जिस तरह से आप लोग आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जितने मैसेजेज मुझे आए हैं, काफ़ी लोग इतने हैं जो शायद मैं उन्हें जानता हूँ, वो भी मेरे बारे में दुआ कर रहे थे पूरे बिहार से। और ख़ास करके जो लोग बिहार और UP के मतलब US में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, उन लोगों के भी काफ़ी मैसेज आए। सर संजय कुमार सर नमस्कार आपको, थैंक यू सर राफ भाई, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, उसके बाद सबको एक एक बार सबको धन्यवाद कर दूंगा। तो काफ़ी अच्छा लगता है मतलब, और ख़ास करके बिहार के लोग तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हर कोई, मुझे बिहार में हर कोई समझ रहा था कि उनका बेटा उनका भाई है, अपनापन मुझे इतना और प्यार मिल रहा था लोगों से। तो और आगे मैं बता दूं कि जिस तरह से जर्नी रही काफ़ी यूनिक जर्नी रही, और काफ़ी लोग जो बिहार से दरभंगा से गए हैं, शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मैं कुछ दिन पहले देखा था, उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, वो बनारस में बैंक में काम करती हैं। राहुल जयकर आप थोड़ा सा वीडियो पहिए करके देखिएगा, मैंने तरीका बता दिया है कि क्या प्रोसेस होता है। नीरज गुप्ता जी मैं तरीके बता चुका हूँ कि सबसे पहले उसके पहले न्यूज़पेपर में आते रहता है कि KBC का ये शो स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप इस प्रोसेस है सोने ये ऐप और इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है, आप थोड़ा एक बार पीछे देख लीजिए। तो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था एक। और बिहार इस समय काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण, जिस तरह से वहाँ के युवा आगे बढ़ रहे हैं, जैसे एक सुयोका जी हैं, वो अभी MTBiz में रैप का वो कंपटीशन हो रहा है, उसमें काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें भी आप वोट दीजिए, 1.5 लाख में से टॉप 15 में उन्होंने जगह बनाया है और काफ़ी अच्छा गाते हैं। मैं इसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन्हें वोट दीजिए, वो काफ़ी अच्छा गाते हैं। जैसे उनका एक था जिसमें वो स्टूडियो टाइप तोड़ने की बातें करते हैं, खुद खुद लिरिक्स बनाते हैं, खुद गाते हैं, तो ये काफ़ी हार्ड वर्क है। उन्हें भी आप बूट बूट ऐप होता है उस पर वोट दीजिए, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके बूट ऐप पर वोट दीजिए। यही भी जैसे हम काफ़ी बिहार के बारे में निगेटिव इमेजेज हैं और ये गलत हैं, सही हैं, से सबसे सबसे ज़्यादा मेहनत हमें इस बात पे करनी है कि इसको तोड़ना है, इस इमेज जो बना हुआ है हमको ठीक करना है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि बिहार के योग आगे आकर एक सही करेंगे, तो योग डिस्कस करेंगे बिहार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई है बिहार में, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई, और हमें मतलब अपने आप को इम्प्रूव करके ही बिहार के इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ यज्ञ का एक बहुत बड़ा चांस होता है, जैसे सबसे बड़ा भाग्य का चांस होता है कि 27,000 योगों को ही सिलेक्ट किया गया था टेलीफोनिक राउंड, जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद, लेकिन 27,000 से आगे पहुंचना सब आपके काबिलियत पे निर्भर करता है, आप कैसे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, कैसे इंटरव्यूज देते हैं, कैसे आप मतलब बता आप अपने संघर्ष की स्टोरी बताते हैं। संघर्ष से मुझे याद आया कि बिहार के सारे लोग संघर्ष करते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं, तो आप भी संघर्ष कीजिए हर कोई और आगे बढ़िए। उसके बाद मैं और कुछ चीज़ों पे चर्चा करना चाहता हूँ, जैसे कि KBC से आने के बाद का क्या रिएक्शन है। तो काफ़ी दोस्त मेरे बने, काफ़ी लोगों से बधाई संदेश आई, मेरे माँ पिताजी काफ़ी खुश हैं, उन सबको लगता है कि जैसे हर एक ऑर्डिनरी बिहारी परिवार जो मध्यम वर्गीय है, ज़्यादा तो मध्यम वर्गीय ही हैं काफ़ी ज़्यादा बिहार में, तो संघर्ष करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो वो शायद उनके सपने साकार हो रहे हैं। तो हमें हम सबको, सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको मेहनत और आगे बढ़ने के लिए करना है, खास करके शिक्षा पे फोकस करना है, स्वास्थ्य पे फोकस करना है,
पर्यावरण पे भी काफ़ी फोकस करना मेरा हमेशा से पर्यावरण एक इंटरेस्टिंग विषय रहा है। तो इन चीज़ों पे काफ़ी फोकस हमें वर्क करना है और काफ़ी अच्छा लगता है इन चीज़ों पे काम करने में। आप भी काफ़ी इंजॉयमेंट फील करेंगे। उसके बाद मैं बता दूं, रंजीत पूर्वे सर जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, तो जैसे ही मुझे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं फेसबुक पेज पे आऊं, मैं आपसे बात करूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे कई से एग्ज़ाम्स हैं, फिर भी मैं सुबह से काफ़ी एक्साइटेड था आप सबसे बात करने के लिए, और काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है आप सबसे बात करना। जैसे और मैं बता सकता हूँ कि अमरेश कुमार जी, आप KBC जाने का तरीका पूछ रहे हैं, आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, मैंने तरीका बता दिया है। थैंक यू सत्यम आनंद, हम सब मिलकर, मैंने बिहार का नाम बढ़ाया, आप सबका सहयोग था, और हम सब मिलकर और आगे इसका नाम लेकर जाएंगे। जी पुरुषोत्तम जी, मैंने मधुबाया जी को बारे में देखा उस समय भी टीवी पर, जब 2014-15 में आई थी तो मैंने देखा था। कुनाई पांडे, कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारी स्टैंडर्ड क्या है, उस ढंग से हम पढ़ाई के तरीक़ों को ये कर आगे बढ़ेंगे। जैसे किस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है थोड़ा सा, मतलब दोस्तों, हम बिहार भाइयों का एक क्या होता है कि मतलब हम दोस्तों के साथ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट, हर किसी से घुई मई के बात करते हैं, और काफ़ी घुई मई के बात करते हैं, हमें हर किसी में अपनापन ढूंढ लेते हैं। तो हम सबको थोड़ा सा आइसोलेट होना चाहिए, हम थोड़ा पारिवारिक हैं, लेकिन मेहनत करना चाहिए हम सबको और आगे बढ़ना चाहिए। अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, जो करना है बाद में भी आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं काफ़ी इन चीज़ों में आगे रहता हूँ। अगर मेरे अभी तो एग्ज़ाम्स हैं, तो 10 दिन के बाद भी आप मैसेज करके मेरे फेसबुक पे पूछ सकते हैं। जितना मुझे आएगा, जितना मैं स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, वो मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू प्रियेश राज, थैंक यू रंजीत पूर्वे सर, विकास शर्मा सी, और आगे बढ़ने के ये टिप्स देंगे। आप बाद में भी बात कर सकते हैं। वैसे तो हम सबको सबसे बड़ा चीज़ यही है कि हम संघर्ष करें, बिहार के हर योग संघर्ष करते हैं, ऑर्डिनरी योग, और हमें मेहनत करना है, हमें पॉजिटिव सोच रखनी है, छोटे छोटे चीज़ों पे अपने आप को डिवाइड नहीं करना है और आगे बढ़ते रहना है। KBC में जाने का तरीका वैसे मैंने एक बार बता दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं तो हर मंथ में एक आध दो बार नेट पे सर्च करते रहिएगा गूगल पे कि क्या नया, जैसे इस बार KBC 11 था, नेक्स्ट सीजन जो है उसका कब क्या होगा, तो चेक करते रहेगा। और फिर Sony TV पे आते रहता है कि क्वेश्चन सब रिलीज किया जाएगा 15-20 दिन पहले से ही। तो याद रखिएगा, बिहार की प्रतिभा काफ़ी आगे बढ़ रही है। जैसे सुयोका को ही देखिए, जे हम मैंने भी थोड़ा सा मेहनत किया है, तो हमें बस मेहनत करना है, हम सबको आगे बढ़ना है। सियोर दीपक यादव जी, छात्र राजनीति टीम से मैं ज़रूर मिलूंगा बिहार, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, जब बिहार आऊँगा तो ज़रूर मिलूंगा। कोई भी टीम से मिलना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और ख़ास करके मैं भी युवा हूँ, युवाओं से मिलना, क्योंकि जो भी चेंज हो सकता है, कहीं भी चेंज हो सकता है, उसके सबसे बड़े सूत्रधार युवा ही हैं। कुशवाहा संतोष पुजारी जी, आपको बहुत प्रेम हम मेरे तरफ से। सीतामढ़ी पेज के बारे में विचार प्रकट करें, सीतामढ़ी पेज काफ़ी यूनिक पेज है, जो 1.5 लाख से ऊपर योग इससे जुड़े हुए हैं। सीतामढ़ी खास करके, तो सीतामढ़ी के जो प्रतिभा हैं उसको निखारते, और सीतामढ़ी के साथ साथ जो बिहार के भी प्रतिभा हैं उसको निखारती है, और जो भी प्रतिभा है वो अपने आगे इंस्पायर करते हैं, एक रास्ता छोड़कर जाते हैं जिससे कि आप आगे बढ़ें। UPSC के ये हिंदी मीडियम को कितना बेनिफिट्स मिलता है, UPSC में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि सारे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, तो कोई अंतर नहीं है। UPSC भाषाई बाउंड्रीज को पार करके, जो भाषा के दीवारें होती हैं उसको तोड़ करके आगे बढ़ता है, और इससे ये होता है कि हम थोड़ा अंग्रेजी कम भी जानते हैं बिहार के योग, तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आजकल तो हर स्टेट के योग इतने ज़्यादा मेहनत करें कि हर कोई अच्छा कर रहे हैं, हर स्टेट के जो छात्र हैं वो काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार के योग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम उतना मायने UPSC के ये नहीं रखता है जितना और एग्ज़ाम के ये हो सकता है रखता होगा, जहाँ अंग्रेजी होता है। UPSC में आप जिस भाषा में लिखेंगे आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा, अगर कंटेंट आपका सही है तो। थैंक यू विजय राय साहब, आपने भी काफ़ी सपोर्ट किया, आपके प्यार के ये मुझे भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहना था। और मैं बता दूं, दही में कहाँ, दही में अभी
तो आप नहीं मिल सकते हैं, मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन हाँ 10 दिनों के बाद मेरे से आप कॉल कर सकते हैं। मैं करोई बाग में रहता हूँ, आप मेरे से मिल सकते हैं। और काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है आप सबसे बात करना आज, क्योंकि मैं सबसे पहली बार किसी पेज पे लाइव हो रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं उतना बात नहीं कर पाता हूँ, बट फिर भी मैं काफ़ी एक्साइटेड था बात करने के लिए। बिहार डेलीगेशन ज़रूर आपके पेज से भी मैं अपनी बात रखूँगा। अभी मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद 10 दिनों के बाद मैं आपके पेज से भी बात रखूँगा। सीतामढ़ी मैं ज़रूर आऊँगा सर, मैं बहुत आना चाहता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा, और आने के पहले मैसेज कर दूँगा सीतामढ़ी आने के पहले। थैंक यू पवन सर, आपने आपके बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सबका प्यार ही है, जीत में सबसे हमारा थोड़ा सा हाथ होता है, बाकी दुआओं का ही असर होता है। कुशवाहा संतोष पुजारी सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हयो चंदन कुमार झा जी, कैसे हैं आप? थैंक्स चंद्रमणि राज साहब। उसके बाद मैं बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मैं बता दूं कि मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखना है कि क्या करना है, हमें अपने इरादे, हमें मेहनत करने के लिए सबसे पहले तैयार होना है। पोलिटिकल साइंस ऑनर्स भाइये के लिए कोई बुक बताइए स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करने के लिए, यूपीएससी के लिए। पोलिटिकल साइंस के लिए ओपी गौबा का बुक आता है, एंड्रू हेबुड का बुक आता है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, बाकी शुभ्रा रंजन मैम का नोट्स है वो पढ़िए जे, और इंडियन पोलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए। थैंक यू शिवम सिंह उज्जैन सर, थैंक। सीतामढ़ी अभी तो कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं है कुशवाहा संतोष पुजारी सर, बट मैं ज़रूर आऊँगा और मैं फिक्स करके आऊँगा सीतामढ़ी, मतलब सीतामढ़ी आना, पुनौरा धाम जाना, मेरा एक ये रहा है, एक डेस्टिनेशन रहा है कि वहाँ मुझे जाना है, वहाँ प्लानिंग करके जाना है। यूपीएससी के ये स्ट्रेटजी और कोचिंग इंडियन मीडियम करस्पोंडेंस बुक, सबसे पहले तो यूपीएससी के ये बुक्स की बात करूँ तो सबसे पहले हर सब्जेक्ट के ये एनसीईआरटी से रेफरेंस लीजिए, जहाँ से तैयारी करना है। देखते रहिए, कोचिंग तो सारे कोचिंग एक जैसे ही हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेटजी भैया पढ़ना है, इसके सिवा और कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और मन में होना चाहिए कि हमें यूपीएससी करना है, यही सबसे बड़ा स्ट्रेटजी है। केबीसी के सुबोध कुमार जी, हर किसी को रजिस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, जितने रजिस्ट्रेशन करते हैं उनमें से रैंडम सेलेक्ट किया जाता है और उसी में से फिर आपको कॉल आता है, तो आप ट्राई करते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए, आपके आपको आएगा फ्यूचर के लिए। तो मेरा अभी, मैं यूपीएससी का एक जॉब हो चुका है, तो अगर पहले ज्वाइनिंग आ जाएगी तो मैं उस जॉब को ज्वाइन करूँगा, फिर यूपीएससी के लिए मैं करते रहूँगा, चाहे जॉब में रहूँ ना रहूँ। और बाकी मुझे है थोड़ा इन्वायरमेंट पे काम करने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है काम करने में, तो मैं इन दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा, मैं जॉब में रहूँ ना रहूँ, इन सबसे बड़ा चीज़ मेरे ये है थोड़ा इन्वायरमेंट है, कि सारे लोग स्वस्थ रहें, अच्छा खाना खाएँ, बिना ऑर्गेनिक फूड खाएं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो, कि किसान थोड़ा प्रॉफिटेबल हो और सबसे खुश रहें योग हेल्थ, इसलिए मैं हेल्थ पे काम करना चाहता हूं कि जिनका हेल्थ स्ट्रांग रहेगा वही खुश रह सकते हैं। सोने याय में केबी से खेल रहे हैं इस बार पहली, मतलब सोने याय में केबी से खेलने में तो सिलेक्शन का चांस मैं इतना कन्फर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन चांसेज हैं, खेलते रहिए और सबसे बड़ी एक्साइटेड रहिए, गेम्स खेलने में कॉन्फिडेंस आता है। सीतामढ़ी के विकास के लिए कुछ कीजिएगा, अभी तो मैं बोल दूंगा तो काफ़ी पहले हो जाएगा, इतना स्टार्टिंग में बोलना कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, थोड़ा मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ सीतामढ़ी क्या, मैं चाहता हूँ कि पूरा बिहार विकास करे, हम सब एक दूसरे को सहयोग करेंगे और आगे बढ़ेगा बिहार। थैंक यू मोतिहारी, मैं कुछ दिन पहले आया था मोतिहारी, मोती झील से क्रॉस किया था मोतिहारी में, मोतिहारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी बहुत पिछड़ा है सर, हाँ पूरा बिहार पिछड़ा है, लेकिन हम सब मेहनत करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, ये एक्सेप्ट करना कि बिहार पिछड़ा है, हम आगे बढ़ भी रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, खास करके जिस तरह से योग काम कर रहे हैं। चंपारण से ही थे सुशील कुमार जी, जिन्होंने जीता था 5 करोड़ रुपये जीता था और पूरे बिहार का नाम उज्ज्वल किया था, तो हम सबको मेहनत करना होगा, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, या कोई भी अकेले कुछ नहीं कर पाता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, तो हम सबको मेहनत करना होगा, आगे बढ़ना होगा, और हम उसी पे फोकस कर सकते हैं, हमारे पास वही मेहनत ही हमारे पास है, हार जीत तो होते रहता है, हम मेहनत करेंगे तभी जीतेंगे, हार लगा रहेगा तो हम मेहनत करेंगे। थैंक यू अमन श्रीवास्तव,
गौतम शिवम जी, मैंने भाई आप वीडियो स्टार्टिंग से देखेंगे तो मैंने तरीका एक बार अच्छे से बता दिया है कि कैसे जाना, और सबसे पहले जाना है तो मैं आपको बता दूं कि आप सर्च करते रहेगा कि नेक्स्ट सीजन का रजिस्ट्रेशन कब से होता है। प्रोसेस तो वही है कि सबसे पहले रजिस्टर कीजिए, फिर आपको कॉल आएगा, तो इन चीज़ों पर फोकस करते रहिए। जरूर मिलेंगे राजकुमार गुप्ता सर, जरूर मिलेंगे आपसे। थैंक यू उत्कर्ष कुमार शर्मा सर जी, हिमांशु राजन रिशु जी, जरूर ध्यान देंगे, हम सब मिल के काम करेंगे। मैं भी युवा हूँ, मैं भी कोई मैं ये नहीं बता कह सकता हूँ कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, और हाँ इन्वायरमेंट पर तो मेरा काफ़ी ज़्यादा, मुझे अच्छा लगता है ट्रीज के बीच में घूमना, काफ़ी अच्छा लगता है, और स्वच्छ हवा, इन्वायरमेंट और हेल्थ दोनों रिलेटेड है, इसलिए मैं इन दोनों पर एक साथ काम करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, कोशिश करें कि कम से कम प्लास्टिक यूज करें, पॉलीथीन का बैग्स का यूज करें। बिहार सरकार ने बैन किया है लेकिन अभी भी काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं। हुयासगंज तो मेरा घर है, जरूर वहाँ के युवा वर्ग पे ध्यान देंगे, उनसे बात करेंगे। हिमांशु रंजन रिशु जी, पवन कुमार सर जी, मैं फेसबुक पे हूँ और नंबर सेंड करना थोड़ा सा भी एग्जाम है तो मैं किसी को नंबर नहीं दे रहा हूँ जल्दी, लेकिन जरूर आप फेसबुक से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैंने करीब करीब कोशिश की है कि इस दरमियान में भी मैं सबसे हर किसी के रिजल्ट दे रहा हूँ, हर किसी के रिप्लाई दे रहा हूँ, हर किसी के मैसेजेज पे जो भी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं मैं उनको रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू सर। बिहार प्र अगर मेरे एक्टिव मेरे काम से बिहार प्राउड फील करता है तो ये मेरे ये काफ़ी मतलब अच्छी बात है, मैं काफ़ी खुश होता हूँ, लेकिन जिस दिन हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे सच्चा बिहार उस दिन प्राउड फील करेगा, और हमें सबको आगे बढ़ना है। बिहार डेलीगेशन जी, मैं भी आपसे मिलने के लिए जरूर मिलूंगा, 10 दिन मेरा एग्जाम है उसके बाद। तारिक अनवर साहब, कोई भी छूट गया है तो भी हम तैयारी करते रहें, एग्जाम छूट जाता है, एक मंथ एक ईयर पढ़ाई नहीं भी होता है तो हम सोच कर कुछ नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना है, हम सोच कर कुछ नहीं कर सकते, हमें तैयारी करना है। जिस तरह से तैयारी कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे पहले बेसिक एनसीईआरटी बुक्स होते हैं, अगर आप बीए कर रहे हैं और पढ़े काफ़ी बुक्स पढ़ चुके होंगे आप, तो स्टैंडर्ड बुक्स जैसे पॉलिटिकल साइंस के या स्टार्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री के या स्पेक्ट्रम में पढ़ता हूँ, ऑप्शनल पेपर आप सही कर सकते हैं। नमस्कार अमित कुमार सर, नवई कुमार जी, जरूर मिलेंगे, डेट तो अभी मैं फिक्स नहीं बता सकता हूँ बट जरूर मिलेंगे, आप जरूर मिलेंगे। थैंक यू श्वेता गुप्ता मैम, उत्कर्ष कुमार शर्मा जी, हुयासगंज भाइयों, हुयासगंज मेरा घर है, मैं सबसे पहले हुयासगंज और वहाँ के लोगों से जरूर मिलूंगा, ध्यान देना, नहीं हम सब मिल के एक दूसरे से मिलेंगे, मैं ध्यान आप पर मैं क्या ध्यान दूंगा, हम सब एक दूसरे पे ध्यान देंगे। और हाँ, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें देखनी है कि कौन सी चीज़ें जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को केयर करना है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन वैसी डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है, जैसे अगर हम डेवलपमेंट करते हैं कहीं एक पेड़ कट रहा है किसी ज़रूरी चीज़ों के लिए, तो हमें कोशिश करना है कि एक पेड़ कटने से पहले एक साल हम वहाँ 10 पेड़ या कहीं और लगाने का प्लान करें, प्लांट करने का, तो हमें देखना है डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों उतना ही ज़रूरत है, और हमें डेवलपमेंट को डेमोक्रेटाइज करना है, इन्वायरमेंट की बात करना है। जरूर मैं आपसे बात करूंगा गौतम शिवम सर। राजकुमार गुप्ता जी, कोई आएगा वहाँ से केबीसी से, आप रजिस्टर करते रहिए, खेलते रहिए, कोई से ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस है, जो ज्ञान बढ़ते रहिए। जरूर सर, पुनौराड हम जरूर आऊँगा। अशोक कुमार सर, नमस्कार अभिषेक सर, थैंक यू भविष्य के लिए आपने शुभकामना दी। हाय पुष्कर, आई यू वॉन्ट टू नो अबाउट द टू स्टार्टिंग यूपीएससी प्रिपरेशन, देन सबसे पहले आप ये करो कि एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, जैसे एनसीईआरटी 6 से 10 तक पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो तो समझ में चीज़ें आने लगे, फिर आप देखो कैसे क्वेश्चंस के ट्रेंड्स आते हैं। बेसिक कुछ बुक्स हैं जैसे हिस्ट्री के या स्पेक्ट्रम है, एनसीईआरटी के बुक्स हैं, पोलिटिकल साइंस के या लक्ष्मीकांत की पोईट्री है, डिफरेंट कोचिंग के नोट्स आ रहे हैं। शुभम खिरहार सर, अभी तो मैं फिक्स नहीं बता सकता हूँ, मैं बिहार आने के लिए तो मैं 4-5 अक्टूबर तक आऊँगा, उसके बाद मैं प्लान बनाऊँगा सीतामढ़ी आने का, और मैं ज़रूर आऊँगा, जिस तरह से आप लोग प्यार कर रहे हैं ज़रूर सीतामढ़ी आऊँगा।
अमित कुमार जी, मैंने केबीसी में आने का प्रोसेस स्टार्टिंग के वीडियो में बता दिया है, आप एक बार वो देख लीजिएगा। जरूर सर, दिल्ली में जरूर मिलूंगा नवई कुमार सर। गौतम सर, एग्जाम के बाद आपको मैं कॉल करूंगा, दिल्ली में जरूर मिलेंगे नवई कुमार सर। थैंक यू संतोष भाई जी, थैंक यू। सीतामढ़ी पेज काफ़ी अच्छा लगा आप सबसे आज बात करके। आप लोग भी मेहनत आगे करते रहिए, एक एक डिस्ट्रिक्ट को हम छोटा छोटा एक एक प्रयास करते रहेंगे तो केबीसी में आगे बढ़, केबीसी क्या जिंदगी के किसी भी एपिसोड में हम आगे बढ़ते रहेंगे। जितना ज्ञान अर्जित करना है, मेहनत करना है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, चारों तरफ पर्यावरण को क्लीन रखिए। और थैंक यू सीतामढ़ी पेज, बहुत अच्छा लगा और आप सबसे बात करना ऐसा लग रहा कि जैसे माँ के गांव, माँ के ननिहाल जो होता है उनके लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। आप पुष्कर जी, 10 10 दिन के बाद आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। और जो भी लोग जो सीतामढ़ी पेज से जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ कि ये विचार कि एक सब जुड़ कर रहना, सीतामढ़ी पेज को, सीतामढ़ी के या बिहार के प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना, उनसे इंस्पिरेशन ग्रहण करके और लोगों को एक ये देना, ताकि कॉन्फिडेंस देना कि बिहार के योग भी आगे बढ़ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। केवीसी में मेरा काफ़ी अच्छा सफर रहा संतोष महतो जी, मैं ज़रूर आपसे मिलूंगा। गौतम शिवम जी, आप दही में रहते हैं, और मैं रंजीत पूर्वे सर हैं जिन्होंने मुझे मौका सबसे दिया, उनको भी काफ़ी काफ़ी बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी पेज से आज जितने योग जुड़े हुए हैं, जितने योग बिहार, मतलब जो चाहते हैं हम, वैसे तुम हर कोई चाहते हैं बिहार आगे बढ़े, तो हर कोई को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।